आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज 10 ग्राम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो गैस के ऑक्यूपाइज करते हैं 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, राइट। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है गैस का वो एचएफ है, सो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसका बताना है इन द गैसियस स्टेट क्या होगा, फाइन। सो देखो आपको यहाँ पर समझना होगा होता क्या है। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या गिवन है, आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एचएफ, फाइन, क्लियर। सो अब आपको समझना होगा, आपको एसटीपी कंडीशंस गिवन है कि एचएफ का जो मास है वो आपका 10 ग्राम है और वो जो वॉल्यूम आपकी ऑक्यूपाई करता है वो 5.6 लीटर ऑक्यूपाई करता है, राइट, एट एसटीपी, राइट। सो आपको पता है कि एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमोसफेयर हो, राइट। सो आपको पता है कि जो टेम्परेचर आपकी मतलब आपकी जो कंडीशंस है वो एसटीपी होती है, उसमें जो हमारे पास वॉल्यूम बेसिकली ऑक्यूपाई होते हैं वो 22.4 लीटर होते हैं। सो हम ये देख लेते हैं कि 22.4 लीटर में आपके पास कितना अमाउंट आपका एसिड का होगा, राइट। सो वो हम देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पर समझना होगा, अगर मैं बात करती मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास 5.6 लीटर जो है एसटीपी पर वो आपकी मतलब वो आपकी बेसिकली उसमें आपके पास 10 ग्राम होता है आपके पास ऑफ योर गैस, राइट। सो अगर मेरे पास लीटर जो है वॉल्यूम वो 4 लीटर है, तब आपके पास कितना अमाउंट होगा गैस का, इट विल बी 10 × 22.4 डिवाइडेड बाई 5.6, राइट। सो ये आपका निकल कर आएगा 40 ग्राम, राइट। ये आपका कितना निकल कर आएगा 40 ग्राम। बट आपको समझना होगा ये बेसिकली यहाँ पर ये जो 40 ग्राम है ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो गैस है, राइट, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, राइट, वो उसको ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, फाइन, क्योंकि एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। सो उसके मॉलिक्यूलर मास को बेसिकली ये कॉरेस्पॉन्ड करेगा। सो इसलिए आप यहाँ पर ये कह सकते हो फर्दर कि आप ये बोलोगे कि देखो हमें क्या करना है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमारे पास एक फैक्टर होता है, वो हमें कैलकुलेट करना होता है, दैट इज एन की वैल्यू, राइट। एन जो होता है ये आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, फाइन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय आपको करना होता है आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्लियर, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, फाइन। सो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो हमने निकाल लिया, दैट इज 40। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका एचएफ है, राइट। सो एचएफ का जो मास होता है वो आपका कितना होता है 20, राइट। सो ये आपका निकल कर आ गया 2, फाइन। सो यहाँ से अगर अब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका कैलकुलेट करना होगा, सो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट आपको क्या करना है, आपको एन की वैल्यू जो है वो 2 उसको मल्टीप्लाई कर दो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले से, राइट। सो 2 × बेसिकली एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एचएफ। सो ये आपका क्या हो जाएगा, H2F2, फाइन। सो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सो ऑप्शन 2 यहां से करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।